कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 12:30। तो मैं बना रही हूँ, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है और ककड़िया की सब्जी बनाई है और अब बनाऊंगी मैं टमाटर की सब्जी। तो भिंडी की तो बन चुकी है, ककड़िया की बन रही है और टमाटर की खट्टा, हम बोलते हैं खट्टा टमाटर, खट्टा आप लोग क्या बोलते पता नहीं, जो लाल टमाटर होते हैं, जो ग्रीन टमाटर आते हैं ना उसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो मैं बना रही हूँ जो लाल टमाटर है उसकी, तो मैंने काट लिए हैं, आप देखो। तो इसमें ना मैं ये डालूंगी, चुना जो होता है सब मिला, मैं ये डाल दूंगी इसमें। और थोड़े से डाल देंगे हम इसमें कड़ी पत्ते, मैं दो डाल दूंगी इसमें हरी मिर्ची, काट काट के डालना है। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे अदरक पत्ती, थोड़ी सी हम इसमें अदरक कस के डाल देंगे, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अदरक से, बहुत अच्छा। ये टमाटर जो है इसमें डाल देंगे, डाल देंगे मसाले, नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें पानी डालना है, तो ये अपने आप पड़ा पड़ा भी हो जाएगा, कुछ नहीं चलाना है। अब हम इसको प्लेट से ढक देंगे तो ये अच्छा खासा हो जाएगा। अब बनने के बाद में मैं दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर देखिए ककड़िया मेरा हो रहा है, देखिए आप ये हो चुका है। तो उसमें रेड चिली पाउडर डालना है और भिंडी की सब्जी मेरी बन गई है, तो भिंडी बन गई है। बस आटा लगाना है मुझे, तो हम इसको ढक देंगे थोड़ा सा और रख देंगे बस। तो ये बन जाएंगे, फिर आटा लगाना है मुझे, थोड़ा सा मुझे डो सेट करना है, तो मैं इसको कर देती हूँ। तब तक सब्जियाँ होती है, तब तक किचन में ये काम कर लेते हैं साइड वाला, तो ये चल करते हैं हम। आ जाइए आप भी मेरे साथ, बने रहिएगा लास्ट तक। और आपको कैसा लगता है मेरा व्लॉग ये ज़रूर बताइएगा मुझे, व्लॉग में आपके अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार मिलता है। और आप ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा, और व्लॉग में देखो जैसे हमारा हमें बनाना आता है वैसे ही हम बना रहे हैं, और जैसे हम हैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिखावा करते हैं, दिखावा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं है। जो घर में है बनाते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, बस यही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि बस, और दिखावा नहीं करते। तो मैं थोड़ा सा ये डो सेट कर देती हूँ। मैंने वैसे हिसाब तो किया हुआ है, अब हिसाब शेयर भी किया था मैं, लेकिन फिर भी है ना डब्बे और सब ये बच्चे लोग है ना इधर उधर रख देते हैं, तो मैंने सोचा जरा आज ये सेट कर देती हूँ, तो वही मैं करने जा रही हूँ। और ये सब्जियाँ बनती रहेगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने आज, तो सब्जियाँ बनती है तब तक मैं ये सेट कर दूँगी। वैसे सेट किया हुआ है लेकिन थोड़ा सा कपड़े से पोंछ कर डब्बे वगैरह रख दूँगी। तो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है क्योंकि मेरी एक तो खिड़की खुली है उधर से, और इधर से ना लाइट भी जल रही है, तो उसका भी थोड़ी सी रोशनी आ रही है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो, मैं जानती हूँ कि नहीं आ रहा, लेकिन क्या करूँ, बन गया तो फिर मैंने डाल दिया। और यहाँ से साफ़ करने के बाद एक दिन इसमें आटा भी मतलब गिर गया था, मैंने जो आटा मैं रखती हूँ डब्बे में वो यहाँ गिर गया था, तो वही मैंने ऐसे ही पूछा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे आप अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे देखो पेपर मेरा लगाया हुआ था, लेकिन पता नहीं यहाँ अचार के डिब्बे रखती हूँ ना तो उसका तेल शायद गिर गया था, तो वो डब्बा मतलब सॉरी वो पेपर मतलब ऑयल ऑयली हो गया था, तो मैं उसके ऊपर एक दूसरा पेपर लगा दी हूँ। तो उसे क्या होगा कि गंदा भी नहीं दिखेगा और बदबू भी नहीं देगा। तो फिर मैं 4-5 दिन बाद में वो पेपर निकाल दूँगी और दूसरा सेट कर दूँगी पेपर।
और यहाँ पेपर लेकर मैं इस सारे कांच को यहाँ से पूछ दूंगी। और मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ पेपर पे, पानी से ही पूछूंगी बस। कोई मतलब केमिकल लगाता है, कोई क्या लगाता है, मैं कुछ नहीं लगाती, सर्फ वगैरह कुछ भी नहीं लगाती। थोड़ा सा गीला करो और उस गीले से पूछो और फिर सूखे पेपर से आप पूछ दो, बहुत साफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से क्लीन हो जाता है। मैं तो ऐसे ही साफ़ करती हूँ। और घर में बोर्ड वगैरह होते हैं तो मैं वैसे ही मतलब कोई कपड़ा जैसे नहाए हम तो गमछा गीला है तो उसी गमछे से मैं टुवाल हो या फिर गमछा हो उसी से मैं वो मतलब साफ़ कर देती हूँ स्विच बोर्ड वाला, तो साफ़ ही रहता है मेरा, बिल्कुल भी कभी गंदा नहीं होता है। मैं सुबह सुबह यही काम कर देती हूँ जिससे क्या होता है कि हमारा घर पूरा साफ़ क्लीन रहेगा तो हमें भी खुद को अच्छा लगेगा। बस तो ये मेरा देखो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और उधर मतलब सब्जियाँ भी हो गई है तो हमें ऐसा नहीं कि, और फिर ना काम करते हम बैठ जाएंगे ना तो फिर हमें लगेगा कि मतलब आलस सा आ जाएगा, फिर काम करने का मन नहीं करेगा। तो रोटी बनाते बनाते ये काम मतलब सब्जी बनाते बनाते ये काम भी हो गया। तो वहाँ का काम मैं पूरा फिनिश करके आ गई। तो यहाँ जो ककड़े की सब्ज़ी बन रही थी ये बन चुकी थी, मैंने उसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर। और मुझे फिर ये सब्ज़ी तो बनी नहीं थी खट्टा टमाटर का, तो मुझे यहाँ ड्रोस नीचे वाला ये जो बर्तन रहता है इस बर्तन वाले को जहाँ पेपर इसके फट गए थे तो मैंने सारे निकाल कर रख दिए हैं। और इसमें जो बर्तन वगैरह पड़े हैं तो यही बर्तन मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि हमारा काम होता है हम घर को मेंटेन रखना या फिर किचन को मेंटेन या घर को किसी को भी चीज़ को आप मेंटेन रखना हमारे लेडीज़ों का ही काम है। तो ऐसा साइड वाला काम कर लेना चाहिए जब किचन में रहो तो। तो मैं यहाँ पेपर निकाल दी हूँ और बिना पेपर के ही मैं रखूँगी क्योंकि मुझे यहाँ लगानी है एक पॉलीथीन जो थैली आती है वो लगाऊँगी मैं, लेकिन वो सोच रही हूँ मैं मंगवाई नहीं तो मंगवाऊँगी और फिर मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पे सुबह जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो भी मेरे साफ़ किए हुए थे तो वो पड़े थे। और पता नहीं इसमें क्या हो गया, ये ड्रो में कुछ बोल्टू या फिर इसका कोई स्क्रू ढीला हो गया है या क्या हो गया है, ये सेट नहीं हो रहा था मेरे से। लेकिन वो हस्बैंड आएंगे उनको बोलूँगी तो वो देख के करेंगे। पता नहीं बच्चे कभी सेट करते ना बर्तनों से ज़ोर ज़ोर से इनको मारते हैं, धीरे से नहीं करते तो उसकी वजह से शायद हुआ है। तो ये बहुत कोशिश की मैंने लेकिन नहीं हो रहा था, बट कोई नहीं फिर हो गया था ऐसे थोड़ा सा सेट करके। तो यहाँ इसमें रखती हूँ मैं बर्तन तो ये सारे काम हो जाएंगे अच्छे से सेट। बंद ही नहीं हो रहा था, इसका एक स्क्रू है ना वो निकल गया है साइड, तो वो मेरे से तो होगा भी नहीं। मेरे हस्बैंड आएंगे उनको बोलूँगी तब तो वही सेट करेंगे। और देखो एक मतलब रसोई का किचन का सब्जी वगैरह होते होते हम सब कर सकते हैं साइड में काम, और इधर मैंने सारे बर्तन भी सेट कर दिए। और ये पकड़ बाहर रख इसको, तो अब लगाऊंगी मैं आटा और सब्जियाँ मेरी बन गई है क्योंकि आटा लगा के फिर छाछ बनाना है, ये काम है मेरा। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे छत पे आना पड़ा क्योंकि बारिश आने वाली थी और कपड़े मेरे सुखाए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो कपड़े लेके आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे अच्छा मौसम था तो नाचने का मन कर रहा था मेरा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलो घूम लेते हैं। तो लेकिन घूमने से क्या होता चक्कर सा आने लग गया था मुझे, और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ये तो अच्छा हुआ मैं कपड़े लेके आ गई। और 5 मिनट बाद में ही मतलब बारिश होने लग गई थी, तो मैं जो कपड़े पतले होते हैं वो तो सूख गए थे और जो सूखे सूखे कपड़े हैं मैं उनको मतलब अलग से ले लूँगी और जो गीले कपड़े हैं उनको अलग से ही रख लूँगी मैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम था और कपड़े लाकर फिर मैंने मुझे नीचे भी सुखाना पड़ा उसको, और मैंने सोचा यहाँ पे बैठ जाऊँ थोड़ा सा अच्छा मौसम था, लेकिन सब्जियाँ मेरी नीचे लगी हुई थी तो उस सब्जी को मैं देखने के लिए मुझे जल्दी जाना पड़ा नीचे फिर। और बस यही मज़े मस्ती कर रहे थे, और आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा ही मस्ती करती हूँ तो मैं कभी भी बच्चों के साथ डांस करने लग जाती हूँ, टीवी में सॉन्ग लगता है तो मैं डांस करने लग जाती हूँ, तो बच्चे बोलते हैं मम्मी आप ये पागलों की तरह होते हो, तो कोई बात नहीं मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे करती हूँ।
आ गई और यहाँ पे सारे सुखा दिए हैं क्योंकि बारिश आने वाली है। बारिश इतनी जल्दी आती है कि हम पहुँच नहीं पाते ऊपर तक। तो मैं आपको दिखाती हूँ मौसम, देखिए मतलब दिखाया था ना अभी छत पे आपको, बस वैसा ही मौसम हो रहा है। अब देखो कभी भी आ सकती है बारिश, ऐसा मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा पहले ही लेके आ जाती हूँ, नहीं तो बाद में भागना पड़ेगा। और मेरी सब्जियाँ सब बन चुकी है और मुझे लगाना है सिर्फ आटा। तो मैं आटा लगा लूँगी और क्या होगा। और ये देखिए खाने के टाइम पे ये खाएगी, क्या खा रहे हो, मूढ़ी खाएगी मूढ़ी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक है और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। देखो मूढ़ी मिक्सर खाएगी खाने के टाइम पे, अभी खाना का बन गया मानो, सिर्फ रोटी बनानी है, लेकिन ये खाएगी क्या। तो भूख लग रही है, रोटी है नहीं, रोटी बनाऊंगी। सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है, आप नाश्ता तो किया हुआ है ना आपका, तो अभी बन जाएगा खाना। तो बस सब्जियां सब बनी हुई है, कोई बात नहीं खा लो फिर रोटी खा लेना। तो फिर ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। आज कुछ खास नहीं है ब्लॉग में, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मम्मा हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाते हैं, तो बोलती है आज वीडियो बना ही नहीं, क्या हाँ तो नहीं बनेगा, कल भी बोला था आज भी, तो नहीं बनेगा तब तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो फिर मैं रखती हूँ, ऐसे बोलते बोलते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा व्लॉग, और इतना बड़ा व्लॉग आप कोई देखते नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है। इतनी मेहनत करके व्लॉग बनाते हैं और आप लोग नहीं देखते हो, बिल्कुल नहीं देखते हो, स्किप कर देते हो व्लॉग को, तो स्किप मत किया करो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फिर मिलते हैं, चलो बाय, चलो बाय करो, एंड कर देते हैं, बाय।